तो भाई आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 4 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो हम लोग दोबारा से करने वाले हैं कार एस्केप। वैसे गाइस हम लोग इसके पहले अभी तक कार एस्केप नहीं किए हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे को मिल चुका है ओल्ड की और गाइस अभी मेरा ये पहला दिन है और अभी मैं अपने ओल्ड की को लेकर के आ गया हूँ बाहर। वैसे इस ओल्ड की का अब ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर है ड्रॉअर और इसके अंदर देखते मेरे को क्या मिलता है। ये खाली पर है और बगल में एक कमरा है, आई थिंक इसके अंदर मेरे को कुछ मिल सकता है। ओके गाइस मैं आ गया हूँ इस रूम के अंदर। बाकी इसके अंदर मेरे को अभी कुछ भी नहीं मिला। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं और गाइस अब चलते हैं बाहर और इस ड्रॉअर के अंदर क्या मिलता है। ये खाली है, आई थिंक इसके अंदर कुछ, भाई ये भी खाली। बाकी यहाँ पर और ग्रैंडपा और ग्रैनी का है वॉशरूम, इसके अंदर गाइस मेरे को मिल चुका है लीवर और गाइस मुझे पता है इस लीवर का ज़रूरत कहाँ है। फटाफट से गाइस इसे लेकर चलते हैं हम लोग बाहर और सामने है ग्रैंडपा, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करते गाइस फटाफट से लीवर को लगाते हैं और गाइस देखते हैं इस लीवर के थ्रू हम लोग को क्या मिलता है। ऑलराइट गाइस ऊपर कोई दरवाज़ा खुला है ऊपर का और मुझे अब जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ओके गाइस अब चलते हैं हम लोग फटाफट से ऊपर और सामने है ग्रैंडपा। तो गाइस एक काम करते हैं पहले हम लोग नीचे एक बार अच्छे से ढूंढ लेते हैं ताकि गाइस मेरे को फिर से आना ना पड़े ऊपर से नीचे की तरफ। ओके गाइस यहाँ पर एक ड्रॉअर है और ये खाली है। बाकी ओके गाइस यहाँ पर मेरे को मिल चुका है पैडलॉक की और गाइस मुझे पता है इस पैडलॉक की का ज़रूरत कहाँ है। इसका ज़रूरत है भाई जहाँ पर कार एस्केप जैसे हम लोग करेंगे वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। बाकी इसके अंदर ये खाली पड़ा है। गाइस एक काम करते हैं चलते हैं ऊपर और सामने नॉस्फराटू हम लोग यहाँ से। ओह शिट भाई गाइस मैं सोच रहा था इसके यहाँ से मैं निकल सकता था बट गाइस क्या करो यार, क्या नाम है इसका, नॉस्फराटू ने मेरा ये दिन ख़त्म कर दिया। बाकी मेरा यहाँ पर डे 2 स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं बाहर और अभी सामने कोई भी नहीं। गाइस मैं आ चुका हूँ दोबारा से ऊपर की तरफ और गाइस ऊपर आते ही मेरे को यहाँ पर मिल चुका है रस्टी एससी सोर्स जिसके मदद से गाइस हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग रोप को कट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है ड्रॉर भाई, यार मन तो कर रहा था गाइस मैं इसे का गर्दन कट कर दूँ लेकिन गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी इसके अंदर क्या है, ये खाली पड़ा है, ये भी खाली। भाई ड्रॉर हमेशा खाली क्यों रहता है। ओके गाइस यहाँ पर मुझे पता है कहाँ पर रोप को कट करना है। यहाँ पर एक रोप है जिसे गाइस मेरे को कट करना है। ओके गाइस मैंने यहाँ पर इस रोप को कट कर दिया। बाकी मेरे को अब चाहिए स्क्रू ड्राइवर जो आई थिंक कभी कभी यहाँ पर रहता था बट गाइस इसके यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर आ चुका है नॉस्फराटू तो गाइस इससे मेरे को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइस मेरे को चाहिए हैमर जिससे गाइस मैं इस प्लैंक को निकाल सकता हूँ। बाकी यहाँ पर ये वाला, ओए मैं इधर क्यों आया भाई, शिट मुझे पता था गाइस मेरे पीछा था ये नॉस्फराटू, मेरे को इधर नहीं आना चाहिए था। मैं पक्का गया, मैं नहीं बचूंगा। प्लीज़ नॉस्फराटू प्लीज़ छोड़ दे एक बार, प्लीज़ नॉस्फराटू प्लीज़। शिट भाई मार डाला भाई। गाइस मैं आ रहा था यहाँ पर डायमंड उठाने के लिए बट गाइस नॉस्फराटू मेरे पीछे था। ओके गाइस मेरे पर डे 3 स्टार्ट हो चुका है और अब चलते हैं फटाफट से हम लोग ऊपर। लेकिन एक काम करते हैं पहले इधर हम लोग चलते हैं बेसमेंट की तरफ और गाइस बेसमेंट के अंदर मेरे को कुछ मिल सकता है तो गाइस फटाफट से बेसमेंट को भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखते हैं मेरे को क्या मिलता है बेसमेंट के तरफ। आई थिंक यहाँ पर ये विंड अप की। ओके गाइस यहाँ पर मेरे को मिल चुका है विंड अप की और इसके थ्रू मुझे मिलेगा शॉर्ट गन जिससे गाइस मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा का खोपड़ी खोल सकता हूँ। ओके गाइस मेरे हाथ यहाँ पर लग चुका है शॉर्ट गन। लेकिन गाइस इस पुतले को मेरे को 4K क्या मिलता है भाई। एक काम करते हैं पहले इस पे निशाना लगाते हैं, एक का काम यहाँ पर हो चुका है। बाकी मेरे को चाहिए यहाँ से एमो और यहाँ से मैं बहुत सारे एमो ले सकता हूँ, बहुत सारे तो नहीं गाइस मैं एक बार में 2 ही ले सकता हूँ। ओके फटाफट से इसे भी मारते हैं। गाइस यहाँ पर हमने दोनों पुतलों को सीधा खड़ा कर दिया है लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ पर है सामने नॉस्फराटू और इसका अभी बैंड बजाते हैं। ओके गाइस यहाँ पर नॉस्फराटू 1 मिनट 30 सेकंड के लिए यहाँ पर गिर चुका है। यहाँ पर है एमो, फटाफट से एमो को रिलोड करते हैं और अब बारी है ग्रैनी और ग्रैंडपा का। ओके गाइस मैं अभी जा रहा हूँ नीचे की तरफ, आई थिंक ग्रैनी और ग्रैंडपा नीचे ही होंगे कहीं। ओके गाइस मैंने बाहर से भी ढूंढ लिया, अभी तक मेरे को ग्रैनी ग्रैंडपा नहीं देखा लेकिन गाइस मेरे को कहीं से ग्रैंडपा ने देखा है और यहाँ पर नॉस्फराटू फिर से जिंदा हो चुका है। और एक काम करते हैं भाई नॉस्फराटू को अभी नहीं मारेंगे बिकॉज नॉस्फराटू को एक बार मजा चखा चुके हैं और अभी मेरे को ज़रूरत है ग्रैनी ग्रैंडपा का। अभी वो शिट भाई मुझे इसे मार देना चाहिए था, इसने तो मेरा बदला ले लिया भाई। गाइस मेरे पर डे 4 स्टार्ट हो चुका है और गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा का मारने के चक्कर में मेरे को नॉस्फराटू ने ही मार दिया और अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर। ये रहा मेरा डायमंड, फटाफट से डायमंड को उठाते हैं और इसे लेकर के चलते हैं नीचे। लेकिन इससे पहले आ चुकी है ये सिलेंड्रिना, भाई इसे मैं कैसे मार सकूंगा भाई समझ नहीं आता है। ओके तो गाइस मैं अपने डायमंड को लेकर के आ चुका हूँ सीधा बेसमेंट के अंदर और देखते हैं मेरे को इधर क्या मिलता है। ओके यहाँ पर एक दरवाज़ा है और गाइस यहाँ पर आते ही मेरे को मिल चुका है हैमर जिसका भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से हैमर को लेकर के चलते हैं और गाइस मेरे को बेसमेंट में आगे बढ़ने के लिए मेरे को चाहिए बेसमेंट की। वैसे भाई मैं सोच रहा था ग्रैनी जाएगी उधर तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा
लेकिन ग्रैनी ने मेरा बैंड ही बजा दी। ओके, मेरा यहाँ पर लास्ट डे स्टार्ट हो चुका है और मेरे को थोड़ा सा केयरफुली खेलना पड़ेगा बिकॉज ग्रैनी ग्रैंडपा का कोई भी पता नहीं भाई, ये लोग कब कहाँ से आएंगे और कब मार देंगे। सामने एक ग्रैंडपा जो कि अभी तक मेरे को देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है इससे मैं बच जाऊँगा। ओके, अभी एक काम करते, चलते फटाफट से इस बिल्डिंग के ऊपर और यहाँ पर प्लैंक को फटाफट से निकालते हैं और देखते इस खुफिया रूम के अंदर मेरे को क्या मिलता है। और रेड गाइस, मैं आ चुका हूँ इस खुफिया रूम के अंदर और देखते मेरी किस्मत में क्या है। वही यहाँ पर मेरे को मिल चुका है स्क्रू ड्राइवर जिसका भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ से इसको ड्रॉप कर देते हैं और अपने हैमर को भी साथ में लेकर के चलेंगे जिसका भाई ज़रूरत है कार एस्केप करने में। ओके गाइस, अब एक काम कर, लेकिन गाइस मुझे पता है यहाँ पर ज़रूर कोई आएगा। यहाँ पर कुछ देर वेट करते हैं। यहाँ पर आ चुका है नॉसफराटू। वे ये फंस गया क्या भाई? इसका पैर देखो भाई, भाई ये तो फंस चुका है। ये देखो, मैं हैमर ड्रॉप करके देखता हूँ। ये देखो, ये रुक गया और आई थिंक ये पीछे मुड़ के चला जाए। प्लीज़ प्लीज़ नॉसफराटू। ये देखो भाई, यहाँ पर फंस कैसे चुका है यहाँ पे? मैं यहाँ से जंप करके मार डाला भाई।